हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट में। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले सेल के बारे में। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में आज हम बात करने हैं। क्या यही सही मौका है बाय करने का, तो जानेंगे इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट टारगेट और लेवल क्या निकल कर सकते हैं 7 जून 2021 के लिए, यानी कि मंडे के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी कमेंट्स होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, उसमें हमें कमेंट दीजिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस टाइम पर एक ऐसे प्राइस पर है जहां पर ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, तो क्या इसमें सही मौका बन रहा है? तो ये मेरा आज का टॉपिक है, क्या इसमें अभी पोजिशन बना लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके चार्ट पर। तो किस तरह का चार्ट इसमें बनता हुआ नजर आ रहा, हम यहाँ से इसको एनालिस करेंगे सबसे पहले। तो सोचो मैंने यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट लगाया हुआ है। जी हाँ, देख सकते हैं 6 मंथ का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही एक कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइम पर ये प्राइस। यहाँ पर ये रेंज देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से इसकी प्राइसिंग बात करूँ सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसे दिसंबर में जो यहाँ से इसका लो बना था वो बना था 60 रुपये के नीचे। जी हाँ, 59 से 58 रुपये के आसपास यहाँ पर लो बना था दिसंबर में, जहाँ पर इसका QIP आया था और 10 रुपये डिस्काउंट में वो QIP था। तो यहाँ पर इसमें एक साफ फॉल के बाद इसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, फिर इसमें एक डाउनग्रेड देखने को मिला, फिर इसमें एक तेज़ी देखने को मिली, फिर डाउनग्रेड गया, और उसके बाद जो मार्च 2024 से इसमें एक लंबी अच्छी वाली हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब इसमें एक हमको इसमें साफ फॉल देखने को मिला 7 मई के बाद। इसमें हमको काफ़ी अच्छी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक 150 के बाद स्टॉक 120 पर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा। ये जो होल्डर है, ये जैसे ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल है। ये 13 कैंडल इसी रेंज में हमको दिखा दे रहा है 120। ये जो सपोर्ट लेवल है, ये इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इसमें अच्छी वाली तेज़ी आने वाली है और टारगेट ये 150 तक के छूसने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो अगर आप चार्ट को सही से समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये इस टाइम पर 120 के लेवल को नहीं तोड़ पा रहा और 120 के लेवल को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा है। अगर ये गिरावट बढ़ती तो लगभग मुझे लगता है 105 के नीचे जाती, बट यहाँ पर ये 120 के लेवल को बहुत ही अच्छे से होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। रिजल्ट आए थे इसके जब भी इसमें गिरावट देखने को मिली थी, बट ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली और इसमें एक अपनी जो पोजिशन को ये स्टॉप जो बोलते हैं स्टॉप लॉस को अपने ये होल्ड कर रहा है। 120 का जो स्टॉप लॉस है उसको होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। हर दिन इसमें एक कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर आती है, या तो अपसाइड या डाउनसाइड, बट स्टॉक्स जो है अभी तक भी 120 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। आज की क्लोजिंग की बात करूँ तो 122 रुपये पर क्लोजिंग दी है आज भी, तो अभी भी ये स्टॉक्स नीचे जाने के कोई किसी भी तरह के मूड में नहीं है, जबकि आज गिरावट भी देखने को मिली है मार्केट में। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि इसके टारगेट क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों हमें स्टॉप लॉस लगाना है 118 रुपये का। जी हाँ, मैं 120 का स्टॉप लॉस नहीं लगवा रहा हूँ। अब यह सोचेंगे कि 120 का स्टॉप लॉस क्यों लगा रही है, स्टॉप लॉस तोड़ रहा है। तो मुझे लगता है 120 पर एक दो बार यहाँ पर आया है और ये 118 रुपये के आसपास ये वाला कैंडल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं 118 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर इसके नीचे आएगा तो हमको फ्रेज बिकवाली देखने मिले, मगर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छे कैंडल बन चुके हैं, बट अब मुझे लगता है इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तो अब ये ऊपर के लिए स्टॉक्स जा सकता है। तो पहला टारगेट होगा मेरा 135 रुपये, दूसरा टारगेट होगा 142 रुपये। दो टारगेट के लिए ख़रीदारी करनी है हमको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। जी हाँ, सेल में हमको ख़रीदारी करनी है। 118 रुपये स्टॉप लॉस, पहला टारगेट होगा 135 और दूसरा टारगेट 142। दो टारगेट लिए, और ये जून के टारगेट है, ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ जून के टारगेट दे रहा हूँ। अगर मैं इसकी कारोबार की बात करूँ कि किस तरह का इन्हें कारोबार किया है, 122.72 रुपये पर क्लोजिंग दी है और मार्केट पूरा डाउन था, जब भी इसने अच्छी वाली क्लोजिंग दी है 40 पैसे की जरूरत तेज़ी बनी, बट स्टॉक निगेटिव बंद नहीं हुआ, ये एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है हमको आगे की तेज़ी के लिए। 122.35 रुपये इसके प्री क्लोज था, 122.35 रुपये भाई ओपन ही हुआ, 124.15 रुपये पर हाई गया है, 121.30 रुपये पर ये लो रहा था, 122.90 रुपये पर ये क्लोज हुआ।
ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ हमको दिखा दिया है इसमें। और डिलीवरी परसेंटेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके की डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे को। 3,01,62,901 शेयर्स में ट्रेड हुए हैं, 52,151 रुपये जब मई 10 मई को बना था। और ये मेरा टारगेट जो मैंने टच किया था जहाँ से, और अब मैं नए टारगेट आपको दिए है आज के इस वीडियो में। 52 वीक लो की बात करूँ 28,35 रुपये 52 वीक लो है इसका, और ये 34.81% डिलीवरी काफ़ी अच्छी डिलीवरी रहेगी। 3 करोड़ में से 1,03,10,668 शेयर इसमें आज डिलीवर उठाए गए हैं, आई मीन 4 जून फ्राइडे को। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज उठाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस स्टॉक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है अपने स्टॉप लॉस पे। दोस्तों इस मेरी जहाँ तक राय है जो इसमें पॉजिटिव व्यू दिख रहा है मुझे, और मैंने अपना पॉजिटिव व्यू बता दिया है कितना ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। दोस्तों ये थी द मार्केट इंडिया की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर राय। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी ना जाए। इसी तरह के स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ हर दिन हर रोज़ और हर डे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही।